जमात पंजुम स्कॉलरशिप के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। हम देख रहे हैं इल्मे रियाजी। इल्मे रियाजी में हमारा आज का मौजू है पैमाइश मसाहत। इसका दूसरा टॉपिक है कमियत। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। चलिए देखते हैं पैमाइश मसाहत का दूसरा मौजू कमियत। एनशन कीजिए। कमियत की मियारी इकाई किलोग्राम है। कमियत यानी वजन, वजन जो है वो किलोग्राम में नापा जाता है। एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था किलो का मतलब होता है 1000, यहाँ पे ग्राम है इसलिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ये बहुत ही छोटी इकाई होती है। जितने किलोग्राम हो उतने ही 1000 ग्राम होते हैं। जितने किलोग्राम हो उतने ही 1000 ग्राम होते हैं। हमें क्या करना है, समझिए 5 किलोग्राम है तो कितने ग्राम हो गए, तो 5 के आगे 3 सिफर लगा दीजिए जो कि 5000 ग्राम। इसी तरह जितने 1000 ग्राम हो, समझिए 10000 ग्राम है तो इतने ही किलोग्राम होंगे, यानी कितने किलोग्राम होंगे, 3 सिफर हटा दीजिए, बच गए 10 किलोग्राम होंगे। चलिए देखते हैं कुछ मिसाल है। 10 किलोग्राम, 10 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। 10 किलोग्राम है और 10 ग्राम है। ऑप्शन है 10.1 सिफर, ऑप्शन है 10.01, तीसरा ऑप्शन है 10.001, और चौथा ऑप्शन है 10.100। इसकी वजाहत होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 10 किलोग्राम है, 10 ग्राम जमा 10 किलोग्राम, इनकी जमा करेंगे हम तो 10 जमा 10/1000। देखिए 10 जो है ना ये 10 किलोग्राम वाले 10 है ये, और ये जो 10 है ये 10 ग्राम वाले हैं। अब इनके बटे में आ गए हैं, यानी इसका नसबनुमा हो गया 1000। 1000 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम है, इसे किलोग्राम करना है तो हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 1000 से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सिफर और ये सिफर कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक ऊपर भी सिफर था शुमार कुनिंदा में और नसबनुमा में भी था, उनको हमने कैंसिल कर दिए। अब क्या बच गया हमारे पास में, 10 जमा 1/100, 10 जमा 1/100। अब यहाँ पे बटे में 2 सिफर है तो क्या होगा, ये 1 सिफर ऊपर जाएगा और ये 1 सिफर अशारे बनेगा। देखते हैं किस तरह, तो ये सिफर गया ऊपर 1 के पहले, ये सिफर भी ऊपर ही जाएगा लेकिन ऊपर जाने के बाद ये बन जाएगा अशारिया, तो ये हो गया अशारिया 0.1, यानी मजमू तौर पे ये बन जाएगा 10 जमा 0.01। इनकी जमा करेंगे तो मिलेगा हमें 10.01, यानी 10 किलोग्राम, 10 ग्राम बराबर होगा 10, ये किलो में है 10 और ये 0.01 ये ग्राम में है। ये कहाँ है, ये ग्राम में है। ये ऑप्शन कहाँ है हमारे पास में, ये ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास में, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। मिसाल देखेंगे, 17 किलोग्राम शक्कर में से 50 आदमियों में से हर एक को 300 ग्राम शक्कर दी गई। 17 किलोग्राम शक्कर है, 50 आदमी है और हर एक को 30 ग्राम शक्कर दी गई, तो कितनी शक्कर बाकी बचेंगी, देखते हैं इसकी वजाहत। 50 आदमियों को दी गई कुल शक्कर, 50 आदमियों को दी गई शक्कर कितनी कैसी रहेंगी, हो 50 ضرب 300, देखिए 50 ضرب 300, 300 के लिए कि हर एक को 300 ग्राम शक्कर दिए, कुल 50 आदमी थे तो 50 ضرب 300, 5 × 3 = 15 और ये 1, 2, 3, यहाँ का 1 सिफर और यहाँ के 2 सिफर, ये 5 × 3 = 15, इस तरह का ये शॉर्टकट तरीका है ضرب करने का, 5 × 3 = 15 और यहाँ पे 3 सिफर, यानी 15000 ग्राम। हमें पता है 15000 ग्राम बराबर होगा 15000/1000, बटे में 1000 क्यों लिए हमने, क्योंकि किलो है और किलो को जब ग्राम को जब किलो में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 1000 से तकसीम करते हैं, तो यहाँ का 1, 2, 3, ये 3 सिफर ऊपर के 3 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे 15 किलो, इसलिए 15 किलो शक्कर दी गई, यानी कुल 17 किलो में से 15 किलो शक्कर तकसीम कर दिए तो कितनी शक्कर बचेंगी, तो बाकी शक्कर बचेंगी 17 × 15 = 2, 2 किलोग्राम है हमारे पास, 2 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 3 है, हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। मौजू पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दिया हूँ, आप उसे जरूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।